YouTube चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए क्लास 10 की जो श्रीतिज की बुक है उसका चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट कर रही हूँ, जिसका नाम है उत्साह। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसी की एक्सप्लेनेशन। बादल गर्जो घेर घेर घोर गगन धराधर ओ ललित ललित काले घुंघराले बाल कल्पना कैसे पाले विद्युत छवि ओर में कवि नव जीवन वाले वज छिपा नूतन कविता फिर भर दो बादल गर्जो विकल विकल उन्मन थे उन्मन विश्व के निघात के सकल जन आए आज्ञा दिशा के आनंद के घन तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो बादल गर्जो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन। तो सबसे पहले हम यहाँ पर कुछ कठिन शब्दों के अर्थ जान लेते हैं। धराधर का अर्थ होता है बादल, वज मतलब कठोर, छवि मतलब सौंदर्य, उर मतलब हृदय दिल, उन्मन का अर्थ होता है उन्मनापन, निघात मतलब गर्मी, सकल मतलब सब, और यहाँ पर अनंत का अर्थ होता है जिसका अंत ना हो, और शीतल मतलब ठंडा, और यहाँ पर विकल का मतलब होता है बेचैन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन यानी भावार्थ। इन पंक्तियों में कवि जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने उस समय का वर्णन बेहद खूबसूरती से किया है जब बारिश होने से पहले पूरा आसमान गहरे काले बादलों से गिर जाता है और बार बार आकाशीय बिजली चमकने लगती है। कवि बादलों से जोर जोर से गरजने का आह्वान करते हैं। कवि कहते हैं कि ये काले घने बादल बरस कर धरती के सभी प्राणियों को नया जीवन प्रदान करते हैं और उनके अंदर नई ऊर्जा का संचार करते हैं। फिर कवि इन बादलों की तुलना किसी छोटे बालक से करते हैं जिसके सिर पर घुंघराले और काले बाल हैं और वो बड़े ही सुंदर लग रहे हैं। यहाँ बादलों का मानवीकरण किया गया है। कवि कहते हैं कि ओ काले रंग के सुंदर सुंदर काले बादल तुम पूरे आसमान को घेर कर जोरदार ढंग से गरजना करो। कवि बादलों को एक कवि मानते हुए उससे एक नई कविता की रचना करने को कहते हैं। वो कहते हैं कि बादलों के दिल में भी किसी कवि की तरह असीम ऊर्जा भरी हुई है, इसलिए हे बादल तुम एक नई कविता की रचना कर दो। दरअसल बादल जब भी बरसते हैं तो धरती को शीतल जल प्रदान करते हैं और जल से ही धरती में नव जीवन को पनपने फलने फूलने का मौका मिलता है। प्राणी मात्र का जीवन नए उत्साह से भर जाता है। फिर यहाँ पर नीचे की पंक्तियों में कवि ने तपती गर्मी से बेहाल लोगों के बारे में वर्णन किया है। कवि कहते हैं कि सभी लोग बहुत ज़्यादा गर्मी के कारण बेहाल हैं और अब उनका मन कहीं नहीं लग रहा है। तभी अचानक किसी आज्ञा दिशा से घने काले बादल आकर पूरे आसमान को घेर लेते हैं। कवि उन बादलों से कहता है कि घनघोर बारिश कर तपती धरती को फिर अपने जल से शीतल कर दो। धरती पर वर्षा हो जाने के बाद लोग भीषण गर्मी से राहत पाते हैं और उनका मन फिर से नए उत्साह व उमंग से भर जाता है। तो यहाँ पर हमारी इसकी एक्सप्लेनेशन हो गई है कंप्लीट एंड आई होप आपको समझ आई हो। एंड इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज शेयर इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।